हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मेंडल के नियमों का महत्व बताएंगे। इसी को आप मेंडल के नियमों का आर्थिक महत्व भी कह सकते हैं, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स लॉ के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला महत्व है मेंडल के नियम, मुर्गी पालन, अंडों की नस्ल में सुधार, अधिक दूध देने वाले मवेशी, अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियों और अन्य लाभकारी जंतुओं की नस्ल सुधारने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि पौधों की तरह ही मेंडल के नियमों की हेल्प से उपयोगी लक्षण वाले पशु पैदा किए जा सकते हैं। अधिक अंडे देने वाली मुर्गियां पैदा की जा सकती हैं और अन्य जंतु पैदा किए जा सकते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, अंडों की नस्ल में सुधार हो, अधिक दूध देने वाले जानवरों को पैदा करने में हो, अच्छी नस्ल की भेड़ और बकरियां उत्पन्न करने में हो। मेंडल के नियम सभी में सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरा है, फसली पौधों व फलदार वृक्षों की नई किस्मों का विकास किया गया है जो रोग प्रतिरोधी, अधिक उपजदायक और पीड़क रोधी प्रतिरोधी हैं। अर्थात जितने भी फसली पौधे होते हैं उनकी नई नई किस्मों का विकास किया जा सकता है। फसली पौधे जैसे धान, गेहूं आदि अन्य जो फसलें आती हैं, ऐसे ही फलदार वृक्षों की नई नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। अर्थात फलदार वृक्षों में चाहे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, जो भी फल हो, सभी की नई नई किस्मों का मेंडल के नियम के अनुसार उत्पन्न किया जा रहा है। अर्थात मेंडल के नियम के अनुसार ही ये उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो इस पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है कि फसली पौधों, फलदार वृक्षों की नई नई किस्मों का विकास होता है, जो मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ जो रोग प्रतिरोधी यानी रोगों को होने से रोकते हैं, अधिक उपजदायक यानी अधिक उपज पैदा करती हैं, और पीड़क रोधी जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो फसलों को खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे भी कोई नुकसान ना हो, ऐसी नई नई किस्में उत्पन्न की जा सकती हैं। फिर अगला पॉइंट है, मानव जाति के सुधार के लिए और वंशागत रोगों से बचने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित सुजनन की विज्ञान की स्थापना हुई है। अर्थात आनुवंशिकता के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव प्रजाति की उन्नति की जा सकती है। आनुवंशिकी की इसी शाखा को सुजनन की अथवा यूजेनिक्स कहा जाता है। बता दें कि यूजेनिक्स अथवा सुजननकी की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1885 ईस्वी में की थी। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि मानव जाति की सुधार के लिए, वंशागत रोगों से बचने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित सुजनन की विज्ञान की स्थापना हुई है। और इसके अंतर्गत होता क्या है सुजनन की में, जो वंशागत रोग होते हैं उन रोगों से बचने के उपाय बताए गए हैं, उन रोगों से बचने के लिए इसमें संभावनाएं प्रकट की गई हैं। फिर अगला है, संकरण द्वारा संभावित संतानों के लक्षणों का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात मेंडल के नियमों की सहायता से क्रॉस से होने वाली संतानों के लक्षणों का अनुमान लगा सकते हैं। फिर अगला है, मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर दूषित लक्षणों के स्थान पर अच्छे लक्षणों को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि क्रॉस से रोग प्रतिरोधी जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं, और जब फसलों में रोग नहीं लगेगा तो अधिक उपज होगी, और अधिक उपज होने से बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, भोजन की समस्या भी खत्म हो जाएगी।